साथियों नमस्कार, स्वागत है TN फिश फार्मिंग पर। साथियों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे एडवांस्ड मछली पालन टेक्निक्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। मछली हेतु तालाब की तैयारी बरसात के पूर्व ही कर लेना उपयुक्त रहता है। मछली पालन सभी प्रकार के छोटे बड़े मौसमी तथा बारहमासी तालाबों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे तालाब जिनमें अन्य जलीय वानस्पतिक फसलें जैसे सिंघाड़ा, कमलगट्टा आदि ली जाती है, वे भी मत्स्य पालन हेतु सर्वथा उपयुक्त होते हैं। मछली पालन हेतु तालाब में जो खाद, उर्वरक, अन्य खाद्य पदार्थ इत्यादि डाले जाते हैं, उनसे तालाब की मिट्टी तथा पानी की उर्वरकता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार भी बढ़ती है। इन वानस्पतिक फसलों के कचरे जो तालाब के पानी में सड़कल जाते हैं, वह पानी व मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है, जिससे मछली के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार प्लैंकटन, प्लवक उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और आपस में पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। धान के खेतों में भी जहां जून से जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक पर्याप्त पानी भरा रहता है, मछली पालन किया जाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। धान के खेतों में मछली पालन के लिए एक अलग प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। नींव मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है, जिससे मछली के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार प्लैंकटन, प्लवक उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और आपस में पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। धान के खेतों में भी जहां जून से जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक पर्याप्त पानी भरा रहता है, मछली पालन किया जाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। धान के खेतों में मछली पालन के लिए एक अलग प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है। मौसमी तालाबों में मांसाहारी तथा अवांछनीय क्षुद्र प्रजातियों की मछली होने की आशंका नहीं रहती है तथा बारहमासी तालाबों में ये मछलियां हो सकती है। अतः ऐसे तालाबों में जून माह में तालाब में निम्नतम जल स्तर होने पर बार बार जाल चलाकर हानिकारक मछलियों व कीड़े मकोड़ों को निकाल दें। यदि तालाब में मवेशी आदि पानी नहीं पीते हैं तो उसमें ऐसी मछलियों को मारने के लिए 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से महुआ खली का प्रयोग करें। महुआ खली के प्रयोग से पानी में रहने वाले जीव मर जाते हैं तथा मछलियां भी प्रभावित होकर मरने के बाद ऊपर आती है। यदि इस समय इन्हें निकाल लिया जाए तो खाने तथा बेचने के काम में लाया जा सकता है। महुआ खली के प्रयोग करने पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके प्रयोग के बाद तालाब को 2 से 3 सप्ताह तक निस्तार हेतु उपयोग में न लाया जावे। महुआ खली डालने के 3 सप्ताह बाद तथा मौसमी तालाबों में पानी भरने के पूर्व 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना डाला जाता है, जिसमें पानी में रहने वाली कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। चूना पानी के पीएच को नियंत्रित कर क्षारीयता बढ़ाता है तथा पानी स्वच्छ रखता है। चूना डालने के 1 सप्ताह बाद तालाब में 10,000 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रति वर्ष के मान से गोबर की खाद डालें। जिन तालाबों में खेतों का पानी अथवा गाठों का पानी वर्षा में बहकर आता है, उनमें गोबर खाद की मात्रा कम की जा सकती है, क्योंकि इस प्रकार के पानी में वैसे ही काफी मात्रा में खाद उपलब्ध रहता है। तालाब के पानी आवक जावक द्वार में जाली लगाने के समुचित व्यवस्था भी अवश्य ही कर ले। मछली का आहार। तालाब में मत्स्य बीज डालने के पहले इस बात की परख कर ले कि उस तालाब में प्रचुर मात्रा में मछली का प्राकृतिक आहार प्लैंकटन उपलब्ध है। तालाब में प्लैंकटन की अच्छी मात्रा करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि गोबर की खाद के साथ सुपर फास्फेट 300 किलोग्राम तथा यूरिया 180 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से डाली जाए। अतः साल भर के लिए निर्धारित मात्रा 10,000 किलो गोबर खाद, 300 किलो सुपर फास्फेट तथा 180 किलो यूरिया की 10 मासिक किश्तों में बराबर बराबर डालें।
इस प्रकार प्रतिमाह 1000 किलो गोबर खाद, 30 किलो सुपर फास्फेट तथा 18 किलो यूरिया का प्रयोग तालाब में करने पर प्रचुर मात्रा में प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। 180 किलो यूरिया की 10 मासिक किश्तों में बराबर बराबर डालें। इस प्रकार प्रतिमाह 1000 किलो गोबर खाद, 30 किलो सुपर फास्फेट तथा 18 किलो यूरिया का प्रयोग तालाब में करने पर प्रचुर मात्रा में प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। मत्स्य बीज संचयन। सामान्यतः तालाब में 5000 से 10000 फिंगरलिंग प्रति हेक्टर की दर से संचय करें। यह अनुभव किया गया है कि इससे कम मात्रा में संचय से पालने योग्य मछलियां। पालने योग्य देशी प्रमुख सफर मछलियों कतला, रोहू, मृगल के अलावा कुछ विदेशी प्रजाति की मछलियां, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प भी आजकल बहुतायत में संचय की जाने लगी है। अतः देशी व विदेशी प्रजातियों की मछलियों का बीज मिश्रित मछली पालन अंतर्गत संचय किया जा सकता है। विदेशी प्रजाति की ये मछलियां देशी प्रमुख सफर मछलियों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती है। सिल्वर कार्प मछली कतला के समान जल के ऊपरी सतह से, ग्रास कार्प रोहू की तरह मध्य से तथा कॉमन कार्प मृगल की तरह तालाब के तल से भोजन ग्रहण करती है। अतः इस समस्त 6 प्रजातियों के मत्स्य बीज संचयन होने पर कतला, सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, मृगल तथा कॉमन कार्प को 20-20-15-15-15-15 के अनुपात में संचयन किया जाना चाहिए। सामान्यतः मछली 20 पॉलिथीन पैकेट में पानी भरकर तथा ऑक्सीजन हवा डालकर पैक की जाती है। तालाब में मत्स्य बीज छोड़े के पूर्व उक्त पैकेट को थोड़ी देर के लिए तालाब के पानी में रखें। तत्परांत तालाब का कुछ पानी पैकेट के अंदर प्रवेश कराकर समतापन एक्लिमेटाइजेशन हेतु वातावरण तैयार कर लें और तब पैकेट के मछली बीज को धीरे धीरे तालाब के पानी में निकलने दें। इससे मछली बीज की उत्तर जीविता बढ़ाने में मदद मिलती है। परिपूरक आहार। मछली बीज संचय के उपरांत यदि तालाब में मछली का भोजन कम है तो चावल की भूसी और सरसों मूंगफली की खली लगभग 1:1 के अनुपात में मछली को भोजन दें। इसे प्रतिदिन एक निश्चित समय पर डालें, जिससे मछली उसे खाने का समय बांध लेती है एवं आहार व्यर्थ नहीं जाता है। उचित होगा कि खाद्य पदार्थ को बोरे में भरकर डंडों के सहारे तालाब में कई जगह बांध दे तथा बोरे में बारीक बारीक छेद कर दे। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि बोरे का अधिकांश भाग पानी के अंदर डुबा रहे तथा कुछ भाग पानी के ऊपर रहे। सामान्य परिस्थिति में प्रचलित पुराने तरीकों से मछली पालन करने में जहां 500 से 600 किलो प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष का उत्पादन प्राप्त होता है, वहीं आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करने से 3000 से 5000 किलो हेक्टेयर वर्ष मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इसी पद्धति से मछली पालन कर 7000 किलो हेक्टेयर वर्ष तक उत्पादन लिया जा रहा है। मछलियों में हो रहे पोषक तत्वों के कमी को खाद्य पदार्थों का उपयोग करके किया जा सकता है। यह खाद्य पदार्थ बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि गाय के गोबर, सुअर, मुर्गी पालन से निकल रहे अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि। चूंकि इन अपशिष्ट पदार्थों में बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो तालाबों में सूक्ष्मजीवी जीवों के लिए आवश्यक आहार का कार्य करता है, जिससे तालाबों में पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन एवं जंतु प्लवक जूप्लैंक्टन की संख्या बढ़ जाती है एवं इन जीवों को मछलियां प्रमुख रूप से भोजन के रूप में उपयोग करती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत